ग्रेटर नोएडा में स्ट्रीट शूटर बदमाश नागेंद्र जो की हत्या के मामले में फरार चल रहे थे, पुलिस मुठभेड़ में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि 25,000 के नामी बदमाश और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ और पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया था। ग्रेटर नोएडा के जेवर में हिस्ट्री शीटर बदमाश की हत्या का मामला सामने आया, जहां फरार चल रहे 25,000 के नामी बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से बाइक सवार बदमाश घायल होकर जमीन पर गिर गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर उपचार के लिए नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार चल रहा है। पकड़े गए बदमाश ने अपने साथियों के साथ मिलकर दिन दहाड़े हत्या की सनसनी फैला दी। तभी से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस इस मामले में पहले ही कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। इसके साथ ही पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है, पकड़े गए बदमाश के पास से अवैध तमंचा, कारतूस, चोरी की मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद की। इसके साथ ही पकड़े गए बदमाश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। एक शूटर विकास, जिसकी सूचना इसको जेवर को थी कि वो इस रोड से आ रहा है, यहाँ पे हमारी टीम लगी हुई थी। जब वो मोटरसाइकिल से आया, उसको रोकने का प्रयास किया तो मोटरसाइकिल छोड़ करके पुलिस पार्टी पे उसने फायरिंग की। काउंटर एक्सचेंज में जवाबी कार्रवाई में आत्मसात पुलिस पार्टी ने भी गोली चलाई, जिससे उसके पैर में गोली लगी है, उसे अस्पताल भेजा गया है। उसके पास से तमंचा, कारतूस, एक मोटरसाइकिल है, जिसको पता चला है कि चोरी की मोटरसाइकिल है। उस घटना में जो अन्य अभियुक्त हैं उनके पीछे भी हम पड़े हुए हैं।